पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शुक्रवार की सुबह ईडी द्वारा नागपुर के निवास स्थान पर छापा मारा गया। हालांकि इस दौरान देशमुख नागपुर में नहीं है, जिसके चलते नागपुर स्थित उनके निवास स्थान में क्या स्थिति है उसका जायजा लिया बीसीएन के संवाददाता संजय मीरे ने। इस समय में बीसीएन की टीम है, जीपीओ चौक है, जीपीओ चौक के पास है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का ये वही मकान है जिस मकान में सुबह 8 बजे से लेके यहाँ पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको ये पल पल की जानकारी दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि देखिए कैसा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। स्थानीक पुलिस यहाँ पे मौजूद है, चाहे अंबाजरी हो, सदर की पुलिस थाने के सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद है। सुबह से लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के अनुसार ऐसा पता चला है कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ये मुंबई में है, लेकिन उनके जो परिजन है वे इस मकान में मौजूद है और ईडी के तमाम अफसर लोग पूरी तकनीक से कर रहे हैं, अंदर में कार्रवाई चल रही है, सबसे पूछताछ चल रही है। खास बात तो यह है कि इसी दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ ऐसे कार्यकर्ता, तकरीबन 20-25 कार्यकर्ता यहां पे आए, उन्होंने नारेबाजी की, लेकिन समय के चलते पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। दिनेश पेटे के नेतृत्व में जरूर ये नारे निदर्शन किए गए थे, आंदोलन किया गया था, मगर पुलिस के चलते उनकी एक कुछ भी नहीं चली और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। हम आपको बता दें कि ये जो पूरा मसला है ये 100 करोड़ को लेकर था, जैसे नागपुर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, इन्होंने 100 करोड़ रुपए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हर माह मांगे हैं। ये एक मामला था जिसके चलते एक बवाल सा हो गया और विरोधियों ने फिर महाविकास आघाड़ी सरकार को घेर लिया और उनसे ये कहा कि अब गृह मंत्री अपना इस्तीफा दे, जिसके चलते गृह मंत्री का इस्तीफा यानी अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया गया था। सीबीआई के भी यहाँ पे जांच हुई थी कुछ दिन पहले। हम आपको बता दें कि आज के ही तारीख में फिर से एक बार ईडी यहाँ पे आई हुई है और ईडी की कार्रवाई जारी है। सीबीआई हो गई, ईडी हो गई और मुंबई और नागपुर के अधिकारी संयुक्त रूप से यह कार्यवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है यहाँ पे। स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो ईडी के जो पुलिस अधिकारी है वे भी यहाँ पे पूरे फौजी तैयार है ताकि कोई भी अनुचित घटना न हो, इसका पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया गया है। यातायात को सुचारू ढंग से रखने के लिए भी यहाँ कामकाज किए जा रहे हैं। जो वही मकान है जहाँ पे हरियाली दिखाई दे रही है, हरियाणा के पीछे में जो है वो आता है अनिल देशमुख इनका बंगला, और उसी बंगले में ये कार्रवाई लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि ईडी के हाथ से किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आते हैं और किस तय तक ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, ये इसकी इस बात की ओर पूरे देश की निगाह अब लगी हुई है, क्योंकि ये स्वाभिमान का मामला है, ये किसी गरिमा का मामला आता है और ऐसे में जो भ्रष्टाचार के आरोप जो हुए हैं, 100 करोड़ की जो मांग की गई है वो कितनी सही कितनी गलत, ये तभी निष्पन्न होगा जब ईडी के जांच अधिकारी पूरी जांच करने के बाद उसके जब वे उस तय तक जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अनिल देशमुख के ऊपर में जिस प्रकार से ये जो बातें जो लगाई गई है कि उसके उन्होंने 100 करोड़ की जो मांग गई थी, कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी दागदार करने की कोशिश भी की जा रही है। विरोधी भी इस मसले को लेकर काफ़ी भुना रहे हैं। ऐसे में विरोधी और सत्ता पक्ष इनके बीच में शब्दों का संघर्ष बड़ी पैमाने पर चल रहा है। सुबह से मीडिया कर्मी पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को दे रही है और ईडी एक ऐसे टीम है, एक ऐसी जांच एजेंसी है जो बाल के खाल भी निकाल देती है। और इस समय में ईडी के तमाम अधिकारी इस बंगले पे मौजूद है। बाहर अंदर में जो कुछ उनके जो लोग हैं, कर्मचारी जो लोग अंदर में कामकाज करने वाले, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। पूरे दरवाजे को बंद कर दिया गया है, अंदर भीतर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं दी जा रही है। ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है, ना कोई बाहर से आपको ये वीडियो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईडी के जो स्पेशल जो पुलिस होता है वो यहाँ पे मौजूद है कि कोई भी अनुचित घटना होती है तो उस स्थिति को संभालने के लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। ईडी की कार्रवाई अंदर में जारी है और जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी जांच अधिकारी हमसे बात करेंगे या नहीं ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आखिरकार क्या इसमें से
बातचीत हुई है और क्या सामने सोल्यूशन निकला है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। ईडी सुबह से लेके अब तक के लगातार कामकाज कर रही है। पिछले 25 मई को भी इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी, आज एक महीना पूरा, आज भी फिर से एक बार कार्रवाई जारी है। और कहते हैं कि धुआं वही निकलता है जहां अंधकार लगी हुई होती है। अब इसमें सच कितना झूठ कितना ये तो आने वाला पल बताएगा। अनिल देशमुख के घर में इस समय में ईडी की कार्रवाई जारी है। पल पल की जानकारी हम हमारे कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए बीसी न्यूज नागपुर। नमस्कार।